क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज बात करेंगे हम राफेल वरान की, जो फ्रांस की तरफ से फुटबॉल खेलते हैं और एज ए डिफेंडर पोजीशन में खेलते हैं। तो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, दोनों ही क्लब फुटबॉल से और इंटरनेशनल फुटबॉल से अपनी अनाउंसमेंट कर दी है। रिटायरमेंट क्यों अनाउंस करी? ड्यू टू नी इंजरी। मात्र 31 साल के हैं वो, लेकिन नी इंजरी की वजह से उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी रिटायरमेंट की। और वो क्यों कहा? क्योंकि आपको पता है रिसेंटली उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड से सीरिया ए के क्लब कोमो को ज्वाइन किया है, और वहाँ पर ज्वाइन करते सार ही उनकी नी इंजरी हो गई, जिसकी वजह से उनको मैदान से बाहर रखना पड़ा। और जो कोमो इतना बड़ा क्लब भी नहीं है कि वो उनको बाहर भी रखे, यानी कि इंजरी की वजह से बाहर भी रखे, प्लस उनको वेजेस भी देता रहे। तो कोमो ने उनका टर्मिनेट कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उन्होंने कहा है, एज इंटरव्यू दिया है कि राफेल वरान ने, कि जब टर्मिनेट कर ही दिया तो उससे पहले मैं रिटायरमेंट ही ले लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने सभी के सभी ट्रॉफीज जीती हैं। तो मैं सीरीज से बताऊंगा उन्होंने क्या क्या जीता है, मेनली क्या क्या जीता है। तो मैं बताऊंगा, वो फ्रांस की तरफ से खेलते हैं, 93 उन्हें अपीयरेंस की है, मैच के लिए है फ्रांस की तरफ से। 2012-13 में उन्होंने डेब्यू किया था, और 2018 में वो अहम हिस्सा रहे हैं रूस में जो हुआ था वर्ल्ड कप का, वहाँ पर वो विजयी साबित हुए, वहाँ पर उनका एक की रोल रहा है डिफेंडर का फ्रांस की तरफ से। तो एक वर्ल्ड कप भी जीता है उन्होंने। अगर हम क्लब लेवल की बात करें तो उन्होंने क्लब लेवल की शुरुआत फ्रांस के लीग वन में लेंस क्लब के साथ शुरुआत करी थी। फिर वो 2011 से रियल मैड्रिड में जुड़े, और वहाँ से उनका लंबा करियर चला, 10-12 साल का उनका करियर रहा रियल मैड्रिड का। 360 मैच खेले वहाँ पर रियल मैड्रिड में, और वहाँ पर उन्होंने बथेरियाँ ट्रॉफी जीती, वहाँ पर उन्होंने 3 ला लीगा ट्रॉफीज जीती और 4 चैंपियंस लीग जीती वहाँ पर, और भी कोपा डेल रे जीता, सुपर क्लब वर्ल्ड कप बहुत कप जीते। और फिर वहाँ पर उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन किया, मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से भी उन्होंने 95 अपीयरेंसेस मैच की, वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी चीज़ जीती, एफ ए कप जीती उन्होंने। मेन नहीं जीता मैनचेस्टर यूनाइटेड में, लेकिन फिर भी उनका करियर बहुत तगड़ा है। 1 वर्ल्ड कप जीता उन्होंने, 3 लालीगा ट्रॉफीज जीती और 4 चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीती, ये मेन उनका करियर रहा। और उनको संतुष्टि थी अपने, उनके एक इंटरव्यू में कहा कि मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने करियर से, और जब किसी क्लब ने मेरा टर्मिनेट कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ जीत लिया है उन्होंने, क्लब लेवल से भी जीत लिया और अपना इंटरनेशनल करियर से भी जीत लिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन देने चाहेंगे राफेल वरान को, मात्र 31 साल के हैं वो, मेरे जितने ही हैं, और उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, कितना कुछ जीत लिया है उन्होंने। तो शुभकामनाएं उनको उनके करियर के लिए, वंडरफुल करियर के लिए। और ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम। ओके बाय।